अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं और साईं जा रहे हैं उमरा करने के लिए। लास्ट ईयर हम लोग जुलाई में गए थे उमरा करने के लिए, बच्चों को अपनी नेबर के पास छोड़ के। फिर उसके बाद हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया था, फिर हम पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने से पहले भी हमने उमरा नहीं किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज ऑफ है तो हम लोग आज चले जाते हैं उमरा कर आते हैं। अपॉइंटमेंट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया था, तो हम लोगों ने दिन का अपॉइंटमेंट लिया है। तो बच्चे मैंने छोड़ दिए हैं अपनी फ्रेंड के पास, क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं है। इवन सहन तक में बच्चे अलाउड नहीं हैं हरम में। तो बस अभी कुछ खाने पीने के लिए, लंच का टाइम है, मैंने इतनी सुबह कुछ भी नहीं बनाया था, तो बस कुछ खाने पीने का लेते हैं, सैंडविचेस वगैरह, और वो खा के और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बस इमीज भी है ऑप्शन हमारे पास, सुल्तान भी है, इमीज लेंगे। अभी हम डिसाइड करते हैं, लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ हम सुल्तान के लाइन में लग चुके हैं, क्योंकि इमीज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, उस पर रश भी नहीं था। बट मैंने कहा अगर ये इतना खाली है तो इसका मतलब इसके पास चीज़ें फ्रेश नहीं होंगी, मेरी साइकी अजीब है। तो अब हम सुल्तान के पीछे लग चुके हैं और इससे हम लोग सैंडविचेस लेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने इनके सैंडविचेस यहीं पे बैठ के खाए थे रहेली पे इधर बच्चों के साथ, और मुझे बहुत वाव लगे थे। तो अब हम इनसे सैंडविच लेंगे, खाएंगे और फिर चलेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मक्का और हम लोगों ने अपनी गाड़ी कुदई में पार्क कर दी। अब यहां से हम लोग टैक्सी लेके ऊपर हरम में जाएंगे। परमिट हमने कुदई की पार्किंग का लिया था, तो बस टैक्सी लेते हैं और ऊपर चलते हैं और फिर उमरा स्टार्ट करते हैं। है? तो हम अंदर हरम में एंटर हो चुके हैं, बस अंदर जाके हम अपना उमरा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मैं ज़रा इधर चेकिंग होगी, परमिट जो हमने लिया हुआ है वो मैं फ़ोन से दिखाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कहते हैं कि जब काबे पे पहली नज़र पड़े तो जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। हय अला सला
अभी हुई है असर की अजान, पहले असर की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद तवाफ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सही करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। साथ साथ में जब तवाफ स्टार्ट करने वाली थी उससे पहले मैंने बच्चों की भी खैर खैरियत पूछ ली थी। बस अब ऊपर चलते हैं और सही स्टार्ट करते हैं। बहुत 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 ज़्यादा रश है क्योंकि उमरा खोल दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा रश है। कह रहे हैं कि मदीना में तो बेहद ज़्यादा रश है और हम प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला बिफोर रमज़ान से पहले हम मदीना भी होकर आ जाएं। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है इंशाल्लाह ताला। तो बस चलते हैं और सही स्टार्ट करते हैं। रश देखें उस तरफ ना, आप लोग रश चेक करें कितना ज़्यादा है। और ये इतना रश आफ्टर कोविड रिस्ट्रिक्शन के बाद है। कोविड रिस्ट्रिक्शंस हरम में ख़त्म नहीं हुई हैं, बच्चे अलाउड नहीं हैं जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसलिए हम दुआ ज़िया को भी नहीं लाए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि उमरे खुल गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी ख्वाहिश थी कि वो कोविड के बाद उमरा करने के लिए आएँ, तो वो सब लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। मैं बैक कैमरा करके आपको दिखा, मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा प्यास, तो जमजम पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा।
भाई पानी पी रहे हैं तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। सही का चौथा चक्कर स्टार्ट होगा लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे पैर पे मेरी जो वेन होती है ना नस वो खिंच गई है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैंने साईं से कहा कि हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। 6th चक्कर स्टार्ट होगा। जिस तरह का रश है मुझे कहीं से भी इस रश को देख के ये नहीं लग रहा कि ये आफ्टर कोविड के बाद जो उम्रा खोला इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस वाला उम्रा ये वो वाला रश नहीं लग रहा। ये नॉर्मल डेज में बिफोर कोविड जो रश होता था माशाल्लाह किस कदर भरा हुआ होता था हरम, ये उस तरह का रश लग रहा है। बहुत 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 ज़्यादा रश है। तो अगर उम्रा खोल नहीं है तो इन्हें चाहिए अच्छे से खोल दें। ये जो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं आ पा रहे, मुझे इतने सारे इंस्टाग्राम पे DMs आ रहे हैं कि दुआ करें कि हम आ जाएँ। विज़िट वीज़ा वाले जो लोग फंसे हुए उन्हें पाकिस्तान की वैक्सीन लगी हुई है तो उन्हें क्वारंटीन का पैकेज भी खरीदना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते क्वारंटीन का पैकेज खरीदना कि 5 दिन वो आके यहाँ पर होटल में स्टे करें, खाना पीना भी वो पैकेज में ही आता है। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि डायरेक्ट वही आ सकते हैं जिन्हें सऊदी की रजिस्टर्ड वैक्सीन लगी हुई होगी। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें, आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने घर आए, खैर खैरियत से पहुँचे, अपने बच्चों से मिले, अपने शोहर के पास आए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको मैंने अपनी दुआओं में शामिल किया हुआ है क्योंकि जिन जिन ने मुझे DMs किए थे मैंने सबके लिए दुआ की है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमने कर लिया है कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। अब चप्पलें वगैरह हमने पहन लिया, अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो अभी मगरिब होने में थोड़ा ही टाइम रह गया, लाइक 5-6 मिनट ही रह गए। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर बाल कट करेंगे और फिर गाड़ी की तरफ को दही पार्किंग में चलेंगे इंशाल्लाह। ली है अब कैंची, बाहर हमें किसी से भी नहीं मिली तो यहाँ पे साईं किससे कैंची लेंगे और फिर मेरे बाल कट करेंगे।
ये इन्होंने न्यू किया है क्लॉक टावर पे ही इस तरह लाइट्स वगैरह का, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके फीचर्स चेंज हो रहे हैं। पहले एकदम स्पार्कलिंग वाली लाइट्स आ जाती है, फिर इस तरीके से लाइट्स निकलती है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आई थिंक दो दो तीन तीन मिनट बाद ये चेंज हो रहा है। और ये बहुत, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट ये रियल में बहुत खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस हम कुतई पार्किंग में आ गए हैं, यहाँ से ऊपर से हमने टैक्सी ली, यहाँ आए अपनी गाड़ी ली, गाड़ी में बैठेंगे और बस सीधा जद्दा के लिए निकलेंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमने उन्हें 6 बजे का कहा था क्योंकि जो हमारा परमिट था वो 3 से 6 का था, बच्चा मगरिब पढ़ने के लिए रुक गए थे। तो बस चलते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अल्लाह ताला आप सबको उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।